दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक्स है वह है महाजनपद का। दोस्तों आप लोग देखें कि यह जो टॉपिक्स है तो बहुत इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और महाजनपद काल जो है इसमें आपको जब कबीलाई समाज जो था उत्तर वैदिक काल तक आते आते वह कबीलाई समाज टूट चुका था, और कबीलाई समाज के टूटने के बाद समस्त भारत में यह जो कबीले थे वे कबीले अलग अलग क्षेत्र में अस्थाई ठिकाना बना चुके थे, क्षेत्र की अवधारणा भी स्थापित हो चुकी थी, भूमि की अवधारणा स्थापित हो चुकी थी, राजपथ सृजन हो ही चुका था उत्तर वैदिक काल तक आते आते। और जब भूमि पर पकड़ मजबूत हुई तो निरंकुश राज्य भी स्थापित हुआ। इसी में यह कबीलाई समाज टूटने के बाद भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आपको 16 महाजनपद स्थापित होते हैं, जिसमें 15 तो उत्तर भारत में थे और उसमें एक महाजनपद जो था वह दक्षिण भारत में भी स्थापित था। मैं यहाँ पे आपको उन 16 महाजनपदों के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि कौन वहाँ पे शासक था, क्या था, और मुझे नहीं लगता है कि इसकी आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको जरूरी भी है, क्योंकि आप टारगेटेड पढ़ाई करें और वीडियो क्लास की भी अपनी लिमिटेशन होती है। अगर मैं बहुत लंबा आपको यदि यहाँ पे यदि बताने जाऊँ तो समस्या यह होगी कि आप उसे फॉरवर्ड करने लगेंगे और उसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी छूटती हुई नज़र आएंगी। इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको बताऊं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो थोड़ी सी यहाँ पे दोस्तों आपको समझने की यह जरूरत है कि यह जो महाजनपद काल जो था यह उत्तर वैदिक काल किस समय का है, इसे बुद्ध काल भी कहा जाता है, महाजनपद काल या बुद्ध काल, क्योंकि 600 ईस्वी पूर्व तक हमने बतलाया था कि उत्तर वैदिक काल, यानी 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है 620। यहां आप देखें कि थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको बतला दूं तो आपको समझने में आसानी हो। यह आप देख रहे हैं कि महाजनपद काल में सबसे पहले हम लोग जो देखे थे वह था ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक, उसके बाद महाजनपद, और उसके बाद फिर आपको पता ही होगा कि उसके बाद फिर इन्हीं 16 महाजनपद में से एक आपका मगध साम्राज्य भी स्थापित होता है। इन्हीं 16 महाजनपद में मगध भी था। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ? ऋग्वैदिक काल में हमने बतलाया था पिछले लेक्चर में कि ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जन थे, कबीले थे, यानी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्षेत्र एवं भूमि की अवधारणा हमें स्थापित नहीं होती है, ना ही क्षेत्र पर पकड़ थी ना ही भूमि थे सब, लेकिन इनकी आवश्यकता उनको नहीं थी क्योंकि वे पशुपालक थे। तो क्या करते, वे एग्रीकल्चर तो कर नहीं रहे थे, तो कौन सा स्थाई ठिकाना उनको बनाना था? स्थाई ठिकाना भी नहीं था, पशुपालन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं वे। तो यहाँ पे क्षेत्र एवं भूमि की अवधारणा हमें, लैंड की कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जब लैंड की कॉन्सेप्ट नहीं है, उपार्जन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप लोग पिछली क्लास का वीडियो आप लोग देखिए ऋग्वैदिक काल में, पता चल जाएगा कि क्या क्या परिवर्तन होता है जब आपको लैंड की कॉन्सेप्ट जब आती है। तो राजा यहाँ पे होगा है, लेकिन राजा जो है वह निरंकुश नहीं है,
यानी राजा जो है वह कंट्रोल में है, उस पर कंट्रोल लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ थे, संस्थाएं थी, सभा समिति विदत गण ये संस्थाएं थी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यह ऋग्वैदिक काल की घटना है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते आखिर इसमें क्या परिवर्तित हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल तक यह जो जन था, यह जन अब क्या हो गया, जनपद के रूप में बड़ा क्षेत्र विस्तार हुआ होगा, जनसंख्या बढ़ी। क्यों बढ़ी? एग्रीकल्चर हुई। तो यहां पे आप देखें कि क्या परिवर्तन क्या हो रहा है, तो यहां पे क्षेत्र भूमि की परिवर्तन नहीं है, महत्वपूर्ण यहां पे जो उनकी जो पेशा थी वह पेशा बदल गई, पशुपालन से अब कृषि हो गई महत्वपूर्ण पेशा। तो जब कृषि हुई तो फिर अस्थाई ठिकाना भी बसे, अस्थाई ठिकाना बसे होंगे तो कहीं ना कहीं भूमि को पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की होगी। तो पहली बार यहां पे हमें भूमि की अवधारणा सामने आती है, भूमि की अवधारणा, यानी पहली बार भूमि की अवधारणा, भूमि से जुड़ने की प्रवृत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में आती है। अब जब भूमि से जुड़े तो टैक्स भी मिलने लगा, जो हमने सारी चीजें बतलाया है। अब जब भूमि की अवधारणा आई तो राजा जो है अब उस पर अंकुश नहीं रहेगा, राजा शक्तिशाली होगा। तो राजा की शक्ति यहां पे आते आते क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। राजा की शक्ति यहां पे आते आते बढ़ी, शक्तिशाली हो गया, सैनिक हो गए, उसके पास सारी चीजें व्यवस्था बदल गई। तो यह चीजें हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई दे रहा है। महाजनपद काल में आप देख रहे हैं कि अब क्या हो गया कि यह जनपद जो है वह बहुत क्षेत्र में विस्तार कर गया, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि विशाल क्षेत्र की प्राप्ति हो रही है, यहां तक आते आते बड़े बड़े क्षेत्र। राजा जो है अब वह साधारण राजा नहीं है, बल्कि विशाल क्षेत्र का वह अब राजा हो गया, बहुत बड़े से क्षेत्र का राजा होता है, ठीक है। साथ ही साथ वह राजा अब कैसा होगा, शक्ति बढ़ी गई थी तो राजा वह निरंकुश, अब उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। राजा निरंकुश हो गया, शक्ति बढ़ गई, सारी चीज बढ़ गई। जब राजा निरंकुश होगा तो सारी समितियां समाप्त, और राजा क्या करेगा, राजा आपका मंत्री परिषद का गठन करेगा। तो अब मंत्री परिषद भी स्थापित यहां तक आते आते आपका हो जाती है, मंत्री परिषद का निर्माण हो जाता है। और यह जो महाजनपद है यह कितने हैं, तो यह आपको 16 है। इन्हीं महाजनपदों में से एक कौन था, मगध था, जिसने एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। तो यहां पर आप देखते हैं कि यही महाजनपद से आगे निकलकर मगध जो है, मगध के द्वारा आपका एक इंपायर बिल्डिंग किया जा रहा है, साम्राज्य की स्थापना यहां पे हो रही है। अब थोड़ी सी यहां पे जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं 16 महाजनपद, इस 16 महाजनपद में आप देखें कि यह जो महाजनपद थे दो तरीके से थे, एक राज्य के रूप में और दूसरे गणराज्य के रूप में। मूलतः विशेष अंतर नहीं था, अंतर यह था कि राज्य में जो था, राज्य में शासक एक ही होता था, राजा एक ही होता था, उसके द्वारा सारा डिसीजन लिया जाता था। गणराज्य में क्या था कि वह राज्यों का संघ था, जैसे वज्जी गणराज्य वह 8 राज्यों का संघ था। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि वह मंत्री परिषद के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। और उसमें अब 8 राजा हैं तो 8 राजाओं के द्वारा डिसीजन होगा। तो थोड़ा सा वहां पर लोकतांत्रिक संस्थाएं भी आपको मिलेगी, लेकिन आधुनिक संदर्भ में उसकी आप तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे जरूर डिसीजन लिया जा रहा है लेकिन वही राजा के द्वारा, काम वही होगा। तो वह थोड़ा सा उसमें विशेष अंतर यह था कि राज्य जो थे वे पूरी तरीके से कबीलाई समाज से टूट चुके थे, लेकिन गणराज्य जो थे वे अभी भी कबीलाई समाज को फॉलो कर रहे थे, अभी भी कहीं ना कहीं जनजातीय व्यवस्था वहां पे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाना, सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाना, तो कहीं ना कहीं जनजातीय व्यवस्था में थी जो हम लोगों ने देखा था। तो ये चीजें यहां पे परिवर्तन हमें नजर आ रहा है। अब 16 महाजनपद में, महाजनपद काल में आपको दो तीन चीजों को याद रखना है। पहला कि जो 15 महाजनपद थे 16 में, वह आपको उत्तर भारत में थे। तो एक कौन सा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, तो वह था आपको अस्मक महाजनपद। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, यह जो अस्मक महाजनपद था यह आपको दक्षिण भारत में था, जो गोदावरी नदी के तट पर था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन यानी महाराष्ट्र में थी।
तो प्रतिष्ठान या पैठन इसकी राजधानी थी, क्योंकि सभी महाजनपद जो थे वे उत्तर भारत में थे। तो इस तरीके से ये चीजों को आपको याद रखना है। दूसरी चीजें कि आखिर इन महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमने बतलाया था फर्स्ट लेक्चर में जब हमने इतिहास का वर्गीकरण किया था कि इतिहास की जानकारी कहाँ से, तो उसमें हमने तीन बतलाया था, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री एज, आध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री एज और हिस्ट्री एज। तो हिस्ट्री एज यानी 600 BC यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हम देख रहे हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई बुद्ध काल एवं जैन काल में। और यहाँ से हमें दो महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक आपको बौद्ध ग्रंथ भगवती बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन्हीं दोनों ग्रंथों से एक आपको बौद्ध ग्रंथ है और दूसरा जो है वह आपका जैन ग्रंथ है। तो इन्हीं दोनों ग्रंथों से हमें भारत में स्थापित 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। यह मुझे लग रहा है कि सफिशियंट है आपको 16 महाजनपद के लिए। इससे बाहर के प्रश्न आपको इस महाजनपद से नहीं पूछे जाएंगे। थोड़े से राज्य और राजधानी आप लोग उसका याद रखिएगा, उसका मैं अब टेबल नहीं यहाँ पे बना सकता हूँ। उसमें आपको बस विशेषता यह देखना है, जैसे अंगराज तो इसकी राजधानी आपको चंपा थी और यह आपको बिहार में स्थापित था। दूसरा आपको मगध जिसकी राजधानी आपको राजगृह थी और यह भी बिहार में स्थापित था। तीसरी आपको काशी महाजनपद था जो आपको काशी वाराणसी में स्थापित था। चौथा महाजनपद आपका कोसल था जिसके दो राजधानी थे, एक साकेत और दूसरा श्रावस्ती। उसके बाद फिर पांचवी महाजनपद जो था वह आपको वज्जी था जो गणराज्य था, जो आपको जिसकी राजधानी वैशाली थी। उसके बाद नेक्स्ट जो था वह मल्ल महाजनपद था जो आपको कुशीनारा एवं पावा के मल्ल जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी आपको सुक्तिमती था। उसके बाद वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी आपको कौशाम्बी था। उसके बाद कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ था जो आधुनिक दिल्ली है। उसके बाद पंचाल महाजनपद जिसके भी दो राजधानी थे, उत्तरी राजधानी पंचाल। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछता है कि उत्तरी राजधानी का अहिछत्र एवं दक्षिणी राजधानी जो पंचाल का था वह था आपको कांपिल, तो इसके दो राजधानी थे। उसके बाद सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी आपको मथुरा में था। उसके बाद कंबोज महाजनपद जिसकी राजधानी आपको राजपुरा में था। उसके बाद अस्मक महाजनपद जिसकी राजधानी आपको प्रतिष्ठान या पैठन था। उसके बाद अवंती जो आपको उज्जैन, उसकी उत्तरी राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी राजधानी महिष्मती। तो उत्तरी एवं दक्षिणी राजधानी याद रखेंगे, इसमें दो तीन का याद रखना है, एक पांचाल का जिसकी उत्तरी राजधानी आपको अहिछत्र एवं दक्षिणी राजधानी आपको कांपिल था। उसके बाद अवंती जिसकी उत्तरी राजधानी आपको उज्जैन एवं दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। उसके बाद लास्ट महाजनपद जो 16वां था वह था मत्स्य जिसकी राजधानी आपका विराटनगर था। तो यह था कुछ महत्वपूर्ण आपको सोलह महाजनपद और उनकी राजधानियां। अब क्या क्या चेंजिंग आए थे महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल में आप देख रहे हैं कि पहली बार राजकीय मोहर का जो प्रयोग किया गया वह महाजनपद काल में होता है। दूसरी चीज, महाजनपद काल में ही पहली बार भूमि की अवधारणा सामने आई, भूमि माप की प्रणाली सामने आई और लेखन प्रणाली का पहली बार आपका भारत में विकास होता है। तीसरा पॉइंट कि महाजनपद काल में ही पहली बार रक्त संबंध से अलग, अभी तक क्या था कि रक्त संबंध पर ही नौकरशाही व्यवस्था का गठन होता था, लेकिन महाजनपद काल में पहली बार रक्त संबंध से अलग नौकरशाही व्यवस्था का गठन हुआ, इसका विकास हुआ तथा साथ ही साथ पहली बार अस्थाई सेना का विकास किया गया। साथ ही साथ आप देखें कि यह वही काल था जब पहली बार भारत में विदेशी आक्रमण हुआ, जो पहले ईरानियों का होता है उसके पश्चात यूनानियों का होता है। पहली बार महाजनपद काल में ही 600 ईस्वी पूर्व में ही आपका धान रोपाई की व्यवस्था की शुरुआत हुई एवं साथ ही साथ जनसंख्या में भी काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि होती है।
लोहे का प्रयोग से लोग अच्छे तरीके से परिचित हुए, और यह जो लोहे का प्रयोग था यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस तरीके से महाजनपद काल जो था, यह महाजनपद काल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसके बारे में यहाँ पे हमने आपसे चर्चा किया।